पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन ऑल वेदर रोड 3 दिनों से बंद है। वहीं बॉर्डर की इस अहम रोड पर चित्रकोट के पास पे एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण रोड पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। दो जिलों को जोड़ने वाली ये रोड 3 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से हजारों यात्री जगह जगह पर फंस गए हैं। बॉर्डर के हाईवे को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इस हाईवे पर दर्जनों जगह ऐसे ही लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी अचानक से दरक कर नीचे आ रही है। रामनगर के चुकम गांव में बारिश से नुकसान हुआ है। तेज बारिश की वजह से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ही करीब 15 बीघा जमीन भी कोसी नदी के तेज बहाव में बह गई। प्रशासन की टीम ने गांव में हुए नुकसान का जायजा लिया। चुकम गांव कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है और गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को कोसी नदी पार करनी होती है। ऐसे में नदी के उफान पर आने से लोग जान जोखिम में डालकर गांव तक पहुंचते हैं। पहाड़ों पर तेज बारिश के बाद में रामनगर में कोसी नदी उफान पर है। वहीं नदी के तेज बहाव से गर्जिया मंदिर की सीढ़ी को नुकसान पहुंचा है और मंदिर की सीढ़ियां कोसी में बह गई हैं, जिसके बाद में मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि पानी कम होने पर मंदिर की सीढ़ियों को ठीक किया जाएगा, उसके बाद में मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि गर्जिया मंदिर में लोगों की भारी आस्था है। चमोली में सुबह से बंद यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया। राड़ी टॉप के पास में बड़े बड़े बोल्डर आने से सड़क बंद थी, जिसकी वजह से कई यात्री फंसे हुए थे। वहीं हाईवे खुलने के बाद में यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हाईवे फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही पहाड़ी दरक रही है और मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। खबर टिहरी से है, जहां पर तेज बारिश से घनसाली केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया और सड़क बंद होने से कई यात्री फंस गए। प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश मुसीबत बनी हुई है। और चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे पर भी मलबा आ गया है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से हाईवे 9 पूरी तरह से बंद हो गया है और बंद रास्तों को खोलने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की टीम को कामयाबी नहीं मिल पाई है। चमोली में बारिश सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब बनी हुई है। यहां पर ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर सड़क पर पहाड़ी से भारी मलबा आया है, जिसकी वजह से सड़क बंद है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर रोड पर आ गया। पहाड़ में बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होने का डर बना रहता है।
उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और लगातार हो रही बारिश से वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन का दायरा भी बढ़ गया है, जिससे पर्वत के नीचे रहने वाले लोगों में दहशत है। प्रशासन ने 32 परिवारों को पहले ही सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। पिछले दिनों भी वरुणावत से मलबा गिरा था, जिसके बाद में प्रशासन की टीम ने पहाड़ी का सर्वे भी किया था और जल्द ही वरुणावत के ट्रीटमेंट की बात कही थी। पहाड़ों में हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा 293 मीटर के लेवल पर पहुंच गई है। अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है। पिछले दो दिनों से पहाड़ों में हुई बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसके चलते गंगा का जलस्तर चेतावनी के लेवल पर पहुंच गया है। पुलिस ने गंगा के तटों से लोगों को दूर रहने की अपील की है। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ये सूचना आपको जल पुलिस द्वारा दी जा रही है, सूचना पे ध्यान दें। स्नान करेंगे। चमोली से तीन दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। अलकनंदा नदी, धौली गंगा, पिंडर नदी उफान पर बह रही है और नदियों के उफान पर बहने से लोग खौफ में हैं। अगर बारिश ऐसे ही होती रहती है तो मुसीबत बढ़ सकती है। राजधानी देहरादून के निजी स्कूल में विशेष समुदाय के नाबालिग छात्र पर अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छात्रा के पिता की शिकायत पर पॉस्को के तहत में केस दर्ज किया गया। दरअसल मामला थाना राजपुर के जाखन चौकी क्षेत्र का है, जहां पर बताया जा रहा है कि छात्रा 10वीं क्लास में पढ़ती है और आरोपी छात्र 12वीं का स्टूडेंट है। स्कूल की छुट्टी के दौरान जब पिता छात्रा को लेने स्कूल गेट पर पहुंचे तो पीड़िता ने अपने साथ घटी घटना के बारे में जानकारी दी, जिस पर पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। देहरादून में एडीएम जय भारत और मंडी सचिव विजय डबराल ने मंडी औच निरीक्षण किया तो कुछ फल सब्जी बेचने वालों की पहचान नहीं हो पाई। जब इनसे आधार कार्ड या फिर दूसरा पहचान पत्र मांगा गया तो फल सब्जी बेचने वाले कुछ भी नहीं दिखा पाए। एडीएम देहरादून जय भारत मंडी प्रशासक का चार्ज भी संभाला है। इस दौरान उन्होंने फल सब्जी बेचने वालों का वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। पहचान पत्र इसका मालिक का होगा? नहीं तो इसका भी तो होगा। कहाँ से आए हो? आराम से बता। दागड़ो जेब में रखते हैं यार। उत्तराखंड की पहचान से समझौता कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये सरकार साफ कर चुकी है। बकायदा इसके लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। वहीं पहाड़ी और बाहरी की बहस के बीच में मूल निवास की मांग भी जोर पकड़ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बोल पहाड़ी हल्ला बोल किनारे के साथ उत्तराखंड बना, पर 25 साल बाद उत्तराखंड में पहाड़ की अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया है। मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और नौकरी पर पहला हक किसका है। उत्तराखंड का ताना बाना बिगड़ रहा है तो सरकार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। वहीं मूल निवासी को हक मिले ये मांग जोर पकड़ती जा रही है। अलग अलग संगठन साल 1985 को आधार मानकर मूल निवास तय करने की मांग कर रहे हैं। मतलब ये कि साल 1985 तक उत्तराखंड में बसने वालों को ही मूल निवासी माना जाए, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद यूपी, बिहार, हरियाणा से बड़ी तादाद में लोग यहां आकर बसे हैं, जिनमें मुस्लिम आबादी भी है। इसीलिए 15 साल उत्तराखंड में रहकर स्थायी निवास का दर्जा मिलने का भी विरोध हो रहा है। मूल निवास और पहाड़ी वर्सेस बाहरी की बहस पर अभी सरकार खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती तो कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है।
मूल निवास और 1985 के बाद के लोग एक बहस बाहरी वर्सेस पहाड़ी को लेकर भी छेड़ रही है सर। देखिए मूल विषय यह है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वह अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, वो खराब न हो, उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। सारा विवाद भारतीय जनता पार्टी का क्रिएट किया हुआ है, ये रायता भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, अब उसी ने इसको समाप्त करना है और इसी रायते को उन्होंने संभालना है, उसको बटोरने का काम करना है। क्योंकि राज्य में कभी ये विवाद नहीं रहा, ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा है। मूल निवास की बहस पहाड़ी और बाहरी तक आ पहुंची है। वहीं देहरादून गैरसैंण में मूल निवास के लिए प्रदर्शन भी हो चुके हैं। मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे लोग इसे बीजेपी और कांग्रेस की गलती मानते हैं, जिन्होंने वोट के लिए लोग बसाए। तो वहीं 2010 में उत्तराखंड आए बिहार महासभा से मेंबर सुरेंद्र अग्रवाल मानते हैं कि सरकार को उन्हें भी मूल निवास देना चाहिए। 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना, उस समय यहाँ पे बाहरी लोगों की जो जनसंख्या थी वो केवल 6% थी, आज वो 14% हो गई है। इसलिए लगातार यहाँ पे डेमोग्राफी हो रही है, ये सरकार को हमने बार बार बताते आए हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और यहाँ पे दो चीज है, बाहरी आततायी शक्तियों को लाने में यहाँ पे कांग्रेस का हाथ है, और बाहरी भी पूर्वी और अन्य लोगों को यहाँ पे लाने में बीजेपी का हाथ है, केवल 2% 2.5% वोट स्विंग के लिए। इससे ये कहने का मतलब है कि जो हमारे पहाड़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, उसको न मानकर, हमारे वोट बैंक की ताकत को न मानकर, ये बाहरी 2% 2.5% 3% के चक्कर में हमारी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होते जा रही है। क्राइटेरिया जरूर बनाना चाहिए कि जिसका अस्थायी निवास 10 साल से, जिन्होंने जमीन लेकर अस्थायी निवास के रूप में रह रहे हैं, वेरीफाई करके 10 साल हो 12 साल जो भी सरकार अपने अनुसार निर्धारित करे, उसके अनुसार उनको मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, जिससे कि वो अपने आप को उत्तराखंड का नागरिक समझे। मुद्दा मूल निवासियों के हक और राज्य की अस्मिता से जुड़ा है, तो जोर पकड़ रही मूल निवास की मांग बीजेपी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन सकती है, क्योंकि राज्य बनने से अब तक पूरी सियासत पहाड़ी राज्य के नाम पर टिकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। आखिरकार 10 साल बाद उत्तराखंड में बनने वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के सारे रास्ते अब खुलते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्यों रुका था ये प्रोजेक्ट, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के अस्पतालों में इलाज की लाइनों में खड़े इन मरीजों में से कई कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन सही डायग्नोसिस और इलाज की सुविधा न होने की वजह से इनकी बीमारी लाइलाज होती जा रही है। मगर अब हल्द्वानी में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनने का रास्ता खुल गया है। जिस कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए फाइल साल 2014 में चली थी, आखिरकार वो 10 साल बाद अब जमीन पर बनने को तैयार है। यानी वन विभाग के जाल में फंसा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आखिरकार अब हल्द्वानी में बनेगा। वहाँ पर 44 पेड़ों के कटान की प्रक्रिया के मतलब न होने के कारण ये बाधित हो गया, और हम लोग इसमें इसी प्रक्रिया में करीब हम लोगों ने करीब 1.5 से 2 साल का समय लग गया, तो इसी वजह से इसमें देरी हो गई। लेकिन अब क्योंकि हमको 44 पेड़ों की काटने की अनुमति भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा मिल गई है। साफ है फॉरेस्ट लैंड पर खड़े 40 पेड़ कई साल तक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की राह में रुकावट बने रहे, और अब इसके बनने का रास्ता खुल गया है। मगर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के बनने में हुई देरी हैरान करने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड कैंसर के मामलों में हिमालयी राज्यों में तीसरे नंबर पर है। इस राज्य के 6 सीटिंग विधायक, जिनमें 3 मंत्री भी शामिल थे, कैंसर से मौत के गाल में समा चुके हैं। विशेषज्ञ भी हालातों को देख चिंतित हैं। अभी पिछले 4-5 सालों में हम ये देख रहे हैं कि कैंसर यंग एज में लोगों में बहुत कॉमन हो रहा है, और जो इंसिडेंस है, यानी कि एक अगर हम एक संख्या बोलें 10,000 लोगों में कितने केसेस कैंसर के होते हैं, तो हर साल वो केसेस की संख्या बढ़ते जा रही है। जाहिर है साफ सुथरी हवा वाले राज्य में कैंसर के बढ़ते मामले चिंता में डालने वाले हैं,
लेकिन स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनने से ये चिंता काफी हद तक दूर होगी, क्योंकि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बीमारी के प्रिवेंशन से लेकर इलाज तक की सारी आधुनिक सुविधाएं पहाड़ के मरीजों को मिलेंगी। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।